बेरोजगार के लिए कोई बात नहीं कर रही है मीडिया। अच्छा, इसलिए धक्का दे के भगाया विदेशियों ने इसे, बेशरम को, बड़ा बेशरम और बेलज्जत कोई भी नहीं है। किससे बड़ा? इससे ही, अंजना कश्यप के से। हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं? एकता की कहाँ बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं। हिंदू एक दूसरे को लड़ाइयाँ करवा दे और ज्यादा से ज्यादा क्या करवाओगे, लड़ाई करवा रहे हैं और क्या, लड़ाई करवा दे, अपने बच्चों को भेज दे विदेश। एक बात बोल लूं, हाँ तो क्या कहेंगे, अंजना ओम कश्यप विदेश में गई थी और दिखा रही थी कि भारत का डंका बज रहा, क्या हुआ? गई थी, विदेश वालों ने भगा तो दिया धक्का दे के, वहाँ पे मोदी के नाम और डुबो दिया उन्होंने तो वहाँ जाके विदेश में। अंजना ओम कश्यप और क्या, अंजना ओम कश्यप तो कहती है कि देश का नाम ऊंचा हो रहा है, वहाँ विदेश में गई तो थी इसके नाम करने के लिए, धक्का दे के भगाया विदेशियों ने इसे, बेशरम को। लेकिन वो तो देश की सबसे बड़ी पत्रकार का आज कितने बड़ा पत्रकार हो, इससे बड़ा बेशरम और बेलज्जत कोई भी नहीं है। किससे बड़ा? इससे ही, अंजना कश्यप के से, अंजना कश्यप। हाँ, वो तो आज तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ आज दलाल बिकी हुई है। वो तो सच्चाई बताती है, आज कोई सच्चाई ना बोलता, सब झूठ है, झूठ बोलते, सब झूठ बोलते बिके हुए। क्या लोगों की समस्या को लोग नहीं दिखाते हैं क्या? कुछ नहीं, सिर्फ वो दिखाते जो वो दिखाते जहाँ से उसे पैसों को या फंडिंग मिलता है। अगर गरीबों के साथ कुछ भला बुरा होता वो नहीं दिखाती है, वो नहीं दिखाती। महंगाई बेरोजगारी पे मीडिया बात कर रही है कि नहीं? नहीं, बेरोजगार के लिए कोई बात नहीं कर रही है मीडिया। अच्छा, वो क्यों, क्या दिखा? बेरोजगार के लिए मीडिया सरकार भी बात नहीं कर रहा है कुछ भी। सरकार बात नहीं कर रही, सरकार तो कहीं रोजगार की गंगा बाहर है। हाँ, पकौड़ा तलो चाय बेको, ये रोजगार, नौकरी वालों के नौकरी छूट गया, स्कूल के बच्चे भी अब पढ़ना लिखना भूल गए हैं, दो साल हो गए उन्हें घर बैठे हुए, अब क्या हो गया, धन तो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे अब जाके स्कूल में। तो मोदी जी तो कहते हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है। हाँ, तो बस तो सारे पकौड़ा तलो, पढ़ाई करने क्या है, करवाने के लिए पढ़ने जाते हो बस सारे, वो मीडिया वाले भी तो पकौड़ा ही तले, फिर अंजना कश्यप भी पकौड़ा ही तले, क्यों जाती है मीडिया क्यों बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से केवल हिंदू मुसलमान जिस तरह नफरत फैलाती है मीडिया, क्या ये गलत हो रहा है क्या देश? गलत है। अब से पहले कुछ भी नहीं था, जब से बीजेपी आए जब से हिंदू मुस्लिम फैलाती है मीडिया। अच्छा, हाँ, लेकिन बीजेपी वाले सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है, सिर्फ अपने दलालों के साथ है और किसी के साथ नहीं है। अच्छा, आप क्या कहती है, क्या बीजेपी वाले सबका साथ दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं? एकता की कहाँ बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं। हिंदू एक दूसरे को लड़ाइयाँ करवा दे और ज्यादा से ज्यादा क्या करवाओगे, लड़ाई करवा रहे हैं और क्या, लड़ाई करवा दे, अपने बच्चों को भेज दे विदेश। वो तो सबकी मदद कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। करी होगी भाई तेरी, करी होगी, हमारी तो ना करी, तेरी मदद नहीं करी, काहे करी, बता, अभी मांग रही हूँ, आज भी मांगू, कल भी मांगू, तेरा आगे हाथ ही फैलाऊंगी, पब्लिक के बच्चे वालों का आगे हाथ फैलाऊंगी, उसके आगे हाथ क्या फैलाऊं। मुफ्त में राशन दे रही है, तुझे मिला होगा, मुझे ना मिला था भाई, आपको राशन नहीं मिला, तुझे मिला होगा, मुझे काहे मिलता, अब 2000 रुपए भी बांट रही सरकार, तो 20,000 तू लाया होगा, 2000 में लाई हूँ तो चल, गलत बोल रही हूँ, जब 2000 में लाई तो 20,000 तू भी लाया होगा, फिर तेरा लोन माफ कर दिया होगा भाई। अच्छा, महिला सुरक्षित है कि नहीं बीजेपी सरकार में? बिल्कुल नहीं है। अरे भैया क्या बताऊँ, अब देखना रहा तो देश करना, तू भी इतना बच्चों वाला, तू भी जानता खुद तो इतना तो। लेकिन सरकार कह रही है कि महिला सुरक्षित है, आप लोग क्या, ये रोज के रेप हो गए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इससे ज्यादा क्या करवा और ज्यादा है, कौन से सुरक्षित रह गए, कोई कहीं लेगा उठा के, कोई कहीं लेगा किसी की बेटियों को। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव है, किसकी सरकार बनने वाली है? सारे मर जाओ, मुझे ना किसी से, मैं तो अपने मेरे बच्चे वाले बने रहे, मैं बस बच्चे वाले बने रहे, यही खिलाते यही देते मुझे, तो मुझे दे रहा कोई सा भी है, सबकी मदद हो रही है इसमें, तो भाई तो ये दे रहे होंगे मुझे, दे रहे, अब इससे बात कर ले, आ जा रहे, बात कर, बता। अरे साहब बोलो क्या कहते हैं, सरकार मदद कर रही है लोगों की? जी बिल्कुल मदद कर रही है सरकार लोगों की मदद कर रही है, जी बिल्कुल मदद कर रही है, बहुत सहयोग कर रही है सरकार। अच्छा, ये मैडम बोल रही की मदद नहीं हो रही है? नहीं, हमारी तो मदद हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है, बहुत फायदा है हम लोगों को तो। क्या क्या फायदा है? बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मान लीजिए सरकार यूपी में बहुत लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को गल्ला दिया और पैसे दिए,
ऐसे बहुत सारे फैक्स हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे भी। ऑक्सीजन की कमी तो सर बहुत पहले से थी, अभी से थोड़ी ना हो गई हमारे देश में, बहुत पहले से कमी थी ऑक्सीजन की। कोरोना काल में ज्यादा क्राइसिस था। कोरोना काल में कमी थी, ऑक्सीजन कमी थी, लेकिन बाहर से आ गई, फिर कोई कमी नहीं रही, कोई ऑक्सीजन कमी नहीं पड़ी भाई, पूरी थी ऑक्सीजन। लेकिन भारत को दूसरे देशों से मदद मांगनी पड़ी। अब जब व्यवस्थाएं इतनी नहीं थी हमारे देश में, तो मदद लेना कोई गलत बात नहीं है। तब एक तरफ कहा जाता है कि देश मजबूत हाथों में है, तरक्की कर रहा है, मदद की लेने की जरूरत क्या जी? बिल्कुल मजबूत हाथों में है और था, मतलब जब हमारे पास पूरी व्यवस्था नहीं थी तो मदद ले ली भाई। मोदी जी ने इतना काम करा है तो किसी ने नहीं करा। मोदी जी ने क्या क्या काम किया? मोदी जी ने ऐसा काम करा कि विदेशों में लाशों जलाई नहीं गई, हमारे यहाँ पे बिल्कुल बहुत कुछ सब कुछ साफ रहा। अरे साहब कहते हैं उत्तर प्रदेश में लाशें जली है, गंगा में लाशें, तो लाशें हर जगह जली है सर, कहाँ नहीं जली है बताइए। विदेश में कहाँ? विदेश में इटली में तो ले लाशें संभाली नहीं जा रही थी लोगों से, इटली से बताइए इटली में क्या हुआ था। इटली में तो वीडियो पे देखा। अरे जी देखा, बिल्कुल देखा, इटली का वीडियो। अरे गए नहीं, वीडियो देखा हमने। गंगा में है और महिलाएं, आपने देखा होगा तस्वीर जो वायरल हुई थी, महिलाएं अपने पति को अपनी सांस दे रही है, वो तस्वीर तो आपने देखा होगा। जी बिल्कुल देखा था, बिल्कुल देखा था। चलिए खैर ठीक है, आपकी समझ बढ़िया है। क्या लगता है 2022 में फिर से योगी जी आएंगे? जी बिल्कुल 100% योगी जी आएंगे। चलिए आपको क्या लगता है, योगी जी आएंगे? आएंगे। आप लोग क्या कहते हैं, योगी जी आएंगे या कोई और आएगा? अखिलेश आएगा कि तो कभी ना आएंगे, पत्ता जैसा साफ हो जाएगा इनका। अखिलेश, अखिलेश केवल अखिलेश, अखिलेश जी वो कह रहे हैं ये तो सब अंधे भक्त है ना, आपको सब कहते रहेंगे, ये ना मानेंगे ना, कितने सुधारों ने ये नहीं मानेंगे, ये तो बने हुए हैं, ये तो देव हैं लोगों को। ये तो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को चमका दिया है। क्या चमका दिया, कोई दिखाओ तो, एकाध कहाँ से कमाया, केवल बेरोजगारी ने चमकाया, बस बेरोजगारी फैला दी, केवल बेरोजगारी बस। राशन मिल रहा, गल्ला मिल रहा, राशन से 5 करोड़ तक क्या हो रहा है, नौकरी जाती रहेगी उसकी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं? होने वाले तो मैं खुद पता, होने वाले 6 महीने बाद चुनाव है। किसकी सरकार बनने वाली है ये तो 6 महीने बाद पता लगेगा किसकी सरकार बनेगी। चलो ठीक है, इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला भाई? सुनो मेरी बात, छोटे चैनल से लेकर के बड़े चैनल तक पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई तुम्हारी होती है, तुम जनता से सवाल एक लिखे हुए पर्चे पे लेकर आते हो और पूछते हो। मैं जनता से तो पूछो, जनता के जो नीचे हो गया रहा जमीन पे, तुम्हें तो एक ऊपर से वो दे दिया पन्ना लिख करके, तुम्हें यही सवाल करना और तुम वही पूछते हो आकर के। जनता बताओ ना, आने वाले 6 महीने बाद अगर केजरीवाल का प्रचार सही रहा ना, तो कोई रोकने वाला नहीं केजरीवाल को। यूपी में, हाँ यूपी में 10 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है। अच्छा। बूढ़े माँ बाप रहते हैं, बहन जो 5,000 रुपए का बिल आ रहा है, दिल्ली में बहुत सड़े गए, 10-10 हाथ मिलेगा, 1 रुपए का बिल नहीं भरते हम। फिर से सरकार योगी जी तो कुछ ना कर रहे, बाबा का ठुल्लू कर रहे योगी जी। मेरे एक्सप्रेस वे बनवा बहुत सड़े गए, 3600 गड्ढे हो गए, 1 साल बाद देखना उसमें मिट्टी में मिल जाएगा साला। उत्तर प्रदेश को चमका दिया तुमने, देखा होगा भैया, हमने तो ना देखा उत्तर प्रदेश चमका हुआ पूरा, हमने ना देखा उत्तर प्रदेश चमका हुआ, जहाँ देखो साले पे हर जगह तो गड्ढे गुड्ढे, मेरठ चले जाओ, बिजनौर चले जाओ, बुलंदशहर चले जाओ, आदमी मर जाएगा इतने फिट फिट के गड्ढे हो रहे उसके अंदर। गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका, गड्ढा मुक्त हो गया। चलो मेरे साथ बुलंदशहर अभी कैमरे लेके और बुला लो नेशनल टीवी वालों को, दिखा दो बुलंदशहर के गड्ढे और मेरठ बिजनौर के गड्ढे। स्मार्ट सिटी की डंका बजा रहे योगी जी, वो तो तुम्हें पता है, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे वहाँ पे, क्या कहाँ पे, गुजरात में तो झुग्गियों को छुपाने के लिए एक दीवार बना दी, दुनिया को चूतिया बना रहे। अबे तुम्हारा गुजरात मॉडल था तो भोसड़े की दीवार लगाने की जरूरत थी, बताओ। बोलो बोलो, सवाल पूछो तुम मुझसे। लेकिन योगी जी कह रहे हैं जिस तरह से हमने विकास किया है, विकास के दम पर सरकार बनी। भैया विकास तो इतना हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुस्लिम हुई और कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हिंदू मुस्लिम, और वो हिंदू मुस्लिम करने वाले हमारे जैसा आदमी नहीं है, वो साले 1,000-1,000 रुपए में टट्टे पालते हैं उन्हें, वो वही लोग है ना, तो तुम किसी को हिंदू मुसलमान को मारते ना, हम किसी को मारते, वो साले एनजीओ वाले हैं, खरीद खरीद के वो छोटे के रैली में इकट्ठे कर ले उन्हें 1,000-1,000, जिनको पर रोजगार ना है। राजनीति है सारी खाली और कुछ नहीं है। लोग तो कह रहे थे कि राम मंदिर बन गया, योगी जी आएंगे, राम मंदिर से तुम्हें कितना फायदा हो रहा? अरे हमें क्या, कितना बता रही है भैया, राम तुम्हें कितना फायदा हो रहा राम मंदिर से, ये बताओ मुझे। जनता कह रही है, जनता कह रही है, जनता तुमसे आगे कह रही है, मोदी से आगे कह रही है। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, कुछ भी हो, तुम गए हो कभी अयोध्या? फिर जाते रहते, तुम गए हो?
कितनी बार चले गए? क्या देख का है वहाँ पे? तुम्हारे घर वालों को तुम्हें क्या फायदा हुआ उससे? अगर वहाँ मेडिकल कोई कॉलेज बन जाता तो बच्चों को कितना बढ़िया होता? नहीं होता? अरे लोग क्या खाक कह रहे, तुमसे कह रहे सारे लोग, अगर क्या हाँ कोई हमारे पास आके ना कहता एक सब तुम्हारे पास आके कह रहे। एक मिनट मंदिर मुद्दा बंद करो, एक मिनट रुको, पहले मेरी एक बात का जवाब, मंदिर मस्जिद का बंद करो ना बंदे ने भाई। बीजेपी वालों का झंडा क्या है? राम मंदिर, हिंदुओं को मंदिर के नाम पे वोट लेना। अबे भैया पहले विकास तो दिखाओ, काम तो करो।